सो गाइस, ये यामा की MT-15 2024 मॉडल जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और ये वाला जो मॉडल है ये टॉप मॉडल है MT-15 का। तो आज इस बाइक के बारे में बात करेंगे अपन, इसकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे और इसकी ऑन रोड प्राइस क्या है वो भी बताएंगे। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, मेरा नाम है शानू और आप देख रहे हैं भाई मेरा यूट्यूब चैनल नॉर्थ राइडर और ZS रिव्यूज। ये है MT-15 2024 मॉडल, और ये वाला जो मॉडल है टॉप मॉडल है। एक मॉडल इससे नीचे भी आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बट इस वाले मॉडल में और उस वाले मॉडल में क्या क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं पहले इस बाइक का आपको प्राइस रिवील करना चाहता हूँ। सो इस बाइक का जो गाइस प्राइस है वो है 2,03,700 रुपीज ऑन रोड डेली। और जिस बाइक को भी ये बाइक चाहिए हो वो आ जाए भाई, सानी मोटर यामाहा, ये राजापुरी में पड़ता है। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। तो 2,03,700 ऑन रोड इस बाइक का प्राइस है। और जो इससे नीचे वाला मॉडल आता है उस बाइक का प्राइस है भाई 1,99,000। देखो ये वाला जो मॉडल है इसमें मिलते हैं आपको LED इंडिकेटर प्लस ब्लूटूथ नेविगेशन, मतलब के 2,03,000 में आपको 2,04,000 मान लो, मोटा मोटा 2,04,000 में आपको एक LED इंडिकेटर मिल जाते हैं, और भाई दूसरा मिल जाता है इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो ये दो चीज़ें हैं जो इस टॉप मॉडल के अंदर यामाहा ने दी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसका लोअर मॉडल। सो भाई ये वाला जो है MT-15 का लोअर मॉडल है, ये भी 2024 मॉडल है। बस इसके अंदर डिफरेंस यही है कि भाई इसके अंदर जो इंडिकेटर हैं वो बल्ब वाले मिलते हैं, और इसके अंदर आपको कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती। इसकी की नहीं है, वरना आपको ऑन करके दिखा देता, मतलब बैटरी वगैरह कनेक्ट नहीं है वरना ऑन करके दिखा देता आपको, ठीक है। और इस बाइक का जो प्राइस है वो है भाई 1,99,000 ऑन रोड डेली। तो अब छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी बाइकों के अंदर होती है। फ्रंट में जो हेडलाइट है वो गाइस इसकी LED में दी हुई है, LED प्रोजेक्टर दिया गया है इसमें, और यहाँ पर DLS दिए गए हैं छोटे छोटे दो, जैसा फर्स्ट वाली MT-15 के अंदर आता था। सेम वही वाला जो हेडलाइट है, वही वाला प्रोजेक्टर है, वो अभी भी यामा इसके अंदर दे रही है। और भाई जो फ्रंट सस्पेंशन है वो आपको USD फोर्क में मिल जाते हैं गोल्डन कलर के, एंड फ्रंट फेंडर दिया गया है इसका प्लास्टिक में। और उसके बाद आप भाई जो फ्रंट टायर साइज है वो दिया गया है 17 इंच का, 100 सेक्शन का इसके अंदर टायर दिया गया है, और MRF कंपनी का इसके अंदर टायर आता है। बाकी भाई डुअल चैनल एज स्टैंडर्ड इसमें आपको मिल जाता है, बाइब्रे के ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे, तो इंजन जो है भाई वही R15 वाला इंजन मिलता है इसके अंदर, MT-15 वाला 155 cc का सिंगल सिलेंडर SOSC लिक्विड कूल, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 18.6 BHP की। 18.6 BHP इस बाइक के हिसाब से बहुत बढ़िया पावर दी है यामा ने, 150 cc के अंदर 18.6 BHP आपको मिल रही है, मतलब 19 BHP के आसपास पावर मिल रही है, तो वो बहुत शानदार चीज़ दी है। बाकी पावर और पिकअप के मामले में तो भाई 150 cc में इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये 150 cc का नेगेट स्ट्रीट फाइटर किंग है, मतलब आप ये बोल सकते हो नेगेट बाइक के अंदर 150 cc में ये बाइक भाई किंग है। 150 cc की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, 200 या 250 cc की बात नहीं कर रहा। कभी कमेंट्स में आप लड़ने लग जाओ कि भाई ड्यूक 200 में इससे ज़्यादा पावर है, फलाना पावर है, ढिमकाना पावर है। 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, डुअल टोन कलर इस बाइक में दिया गया है, और जो कीज़ हैं वो भी आपको नॉर्मल कीज़ मिलती हैं, वेव्स कीज इसके अंदर नहीं आती। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी फुल्ली डिजिटल में मिलता है, ट्रिप मीटर, RPM मीटर, ट्रैकोमीटर, फ्यूल मीटर, सारी चीज़ें इसमें आपको डिजिटल में ही देखने को मिलेंगी। और जो हैंडल है वो काफ़ी ब्रॉड हैंडल मिलता है भाई इसमें FZ से भी ज़्यादा ब्रॉड हैंडल है, और जो बहुत सारी बाइक्स आती हैं 150 cc की, सबसे ज़्यादा ब्रॉड हैंडल भाई गाइज इसी के अंदर आपको मिलता है, सबसे ज़्यादा ब्रॉड हैंडल जो है वो इसी में आपको देखने को मिलेगा। बाकी थ्रॉटल ट्यूब की क्वालिटी भाई एक नंबर है, ब्रेक लीवर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, स्विचेस की क्वालिटी जो है वो भी बहुत बढ़िया रखी है यामा ने। फिट एंड फिनिश की गाइस बात करें तो फिट एंड फिनिश का तो भाई कोई मुकाबला नहीं है, कहीं भी आपको गैप गूप देखने को नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का भी गैप देखने को नहीं मिलेगा। प्लास्टिक की क्वालिटी जो है वो बहुत ही शानदार रखी है, यहाँ MT का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ यामा का एम्बलम देखने को मिल जाएगा। क्वालिटी भाई टॉप नॉच है बाइक की, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया यामा ने। और इसके अंदर दिए गए भाई रियर व्यू मिरर बॉक्स के अंदर। थोड़ा सा पीछे आ जाए तो भाई 140 सेक्शन का टायर इसमें आपको मिल जाएगा, और MRF का टायर दिया गया है। 140 सेक्शन इस बाइक के हिसाब से बहुत बढ़िया है, पीछे एक मिल जाता है भाई टायर हगर, और रियर वाले जो इंडिकेटर हैं वो भी LED में दिए गए हैं, LED में ही इसकी नंबर प्लेट लाइट दी गई है। और सीट की अगर बात करें तो भाई सीट जो है सिंगल पीस में दी गई है, लेकिन सीट जो है भाई बहुत छोटी सीट है, अगर आप पिलियन के साइड राइड करने की सोच रहे हो तो भाई पिलियन के साथ राइड नहीं हो पाएगी इस बाइक में, क्योंकि सीट जो है काफ़ी छोटी दी गई है। और यहाँ पर दो छोटी छोटी ग्रैब रेल दी गई हैं, स्प्लिट में ग्रैब रेल है, कंप्लीट ग्रैब रेल नहीं दी है। रियर वाली जो टेल लाइट है वो भी आपको LED में मिल जाती है। बाकी भाई यहाँ आए थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंगल स्टैंड मिलता है इसमें, मेन स्टैंड इस बाइक में नहीं दिया गया। और ये फुटरेस्ट जो है फ्रंट वाला मेटल में मिलता है, रियर वाला भी आपको मेटल में मिल जाता है,
यहाँ सिर्फ साड़ी घाट के नाम पे एक छोटी सी चीज आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब साड़ी घाट छोटा सा देखने को मिल जाएगा। प्राइस के बारे में मैंने आपको बता दिया दोनों बाइकों के, ये टॉप मॉडल है तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 2,03,700 ऑन रोड डेली, 2,04,00 मान लो यार। और वो जो लोअर मॉडल है इसका जिसमें ब्लूटूथ नेविगेशन और आपको जो LED इंडिकेटर है ये नहीं मिलते हैं, उसका जो प्राइस है वो है 1,99,000। सीट हाइट 810 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की मिल जाती है। सो गाइज यही थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दी, अगर कोई मिस हो गई हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये चीज़ आपने कवर नहीं की। सो इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग कीप सपोर्टिंग गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।